हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त शिवांग मेहल लेकर आ गया एक नया ब्लॉग। और आज हम आए कर्ण आश्रम, कर्ण नगरी कोटद्वार, जिसके लिए फेमस है तो कर्ण आश्रम आए हैं। तो चलिए आपको यहाँ दिखाते क्या क्या है। तो कर्ण आश्रम घूम लिए और अब घर जाने के लिए कुछ गाड़ी नहीं मिल रही है, ना ऑटो ऑटो कुछ भी नहीं। तो अभी हम कलाल घाटी के रास्ते जा रहे हैं और जेठी ले जा रही है हमें कलाल घाटी के रास्ते। और अब देखते हैं रास्ते में कुछ टेम्पो या कुछ भी मिल जाए तो उसमें जाएंगे। हमारी रास्ता जा रहा है कलाल घाटी और खूब पेड़ पौधे हैं और जंगल जैसा रास्ता है। और जेठी आप तक लगूँ गाड़ी नहीं मिलनी यार, ऐसे पैदल पैदल अच्छा लग रहा है। हाँ, ठंडा भी हो रखा मौसम। हाँ, अच्छा लग रहा है। कितना दूर है, कितना किलोमीटर होगा? लगभग दो किलोमीटर। अगर हाँ, अगर नहीं भी मिली तो कोई बात नहीं, चले जाएंगे पैदल पैदल, 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 पैदल। तो मिल जाएगी। हाँ, कलाल घाटी से मिल जाएगी। हाँ, और मम्मी की, जेठी की, मतलब मामा लोग सबकी बुआ रहती है। हाँ, कलाल घाटी में, तो उनके घर जाएंगे और उनका घर भी दिखाते हैं आपको। हमें सामने हिरन भी दिख गया है, वो देखो सामने हिरन है, वो सामने हिरन दिख रहा है। देखो ये देखो, हिरन नहीं है, नील गाय है। नील गाय नहीं, नहीं हिरन है वो। हिरन नहीं हो, नहीं नहीं तो नील गाय है, हिरन नहीं हो। आए नील गाय का बच्चा भी दिख गया है। हिरन, अरे हिरन यहां पे कितने सांप दिख रहे सर, तो यहां देख सांप, दो दो हिरन वो देख, सांप दिख रहे। शश शश एकदम, नील गाय ऊपर भाग रहे। और सामने बहुत बड़े बड़े खेत और नीचे नहर भी बह रही है और लोग नहा रहे नीचे। और बगल में ही जंगल है तो हमें हिरन नील गाय तो दिख गए। और अभी तक हमें ऑटो ऑटो कुछ नहीं मिला, अभी हम ऐसे जा रहे हैं पैदल धूप में छाते के सहारे। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं आपका दोस्त शिवांग नेहल और यहाँ से कर रहा हूँ मैं नया व्लॉग स्टार्ट। अभी हम कर्ण आश्रम गए थे जैसे आपने पिछले व्लॉग में देखा, तो हम कर्ण आश्रम से पैदल पैदल आ रहे थे जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले देखा, बहुत मतलब दूर से पैदल पैदल आए। और अभी हम हैं कलाल घाटी वाली बुट्टी, मतलब मेरी मम्मी की और जेठी और की बुआ, तो यहाँ पे उनका घर है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, बुट्टी और से मिलाते हैं, सबसे मिलाते हैं, तो दिखाते हैं उनका घर। तो इस साइड उनका पुराना घर है। अरे ये रहा बुड्ढी का घर। बुड्ढी हेलो कर दो, बुड्ढी हेलो कर दो। हेलो हेलो, और कुछ बोलना चाहोगे आप? पहुंच गए हम आपका घर। अरे ये मैडम जी लेट गई हैं, मामा बुड्ढा जी हेलो कर दो। हेलो, ये मैडम जी लेट गई हैं। जेठी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलो। अरे पहले बोल तो लो। ऐसा है, वो गाड़ी नहीं मिली, अपने बुआ के घर आ गया हूँ, भटकते भटकते। और तब बुड्ढी ने, हाँ, तब हमने भात भूत बनाया बुड्ढी ने और हमने खा लिया खूब। हाँ, करके सम भुर गया पुटुक, मजा आ गया। और अब बुड्ढी के खेत दिखाते बाहर। ये है कलाल घाटी वाली रोड और इधर घर है बुड्ढी और का, और बुड्ढी मतलब मम्मी की बुआ और को मतलब हमारे बुड्ढी बोलते हैं। और ये बेल लगी हुई, लगले उगले लग रखे हैं, लगले उगले लग रखे हैं। और यहाँ पे मिर्ची मुर्ची सब बो रखे हैं और इधर बहुत सारे लगले लगे अलग अलग। और सामने करेले के और मुंगरी भी बो रखी है, भिंडी। अरे देखो करेले,
तो बचपन में हम बहुत आया करते थे यहाँ पे मम्मी और के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ। और यहाँ भी लगी हुई बेल और पीछे बुड्ढी और बुड्ढा जी ने एक बाछी भी बांध रखी है। और यहाँ बुड्ढा जी बना रहे चाय। हाँ बुड्ढा जी, कितने साल पुराना घर है आपका? हमारा 60 साल हो गया। 60 साल उधर वाला? उधर वाला। हाँ इधर नया बना रखा है। इसे हो गए 15-20 साल। 15-20 साल हो गए। अच्छा, यहाँ कलाल घाटी में जानवर जुनवर आते, हाथी होती? हाथी आते हैं। अच्छा, और चीतल है, झांक है। अच्छा, बारहसिंगा सभी आते हैं। कभी गुलदार वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, हमने आज नीलगाय और हिरण देखे। वो पहुंच गए हम चिट्ठी के घर वापस। और अब मैं जा रहा हूँ लाल पानी, क्योंकि कल जाना है दिल्ली। तो बस बैग पैक कर लिया, अब जा रहा हूँ लाल पानी। तो चलिए चलते हैं अब। तो जेठी चलो अब जाते हैं। मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा, बहुत खराब लगेगा। मेरा भी मन नहीं कर रहा दिल्ली जाने। 2-4 दिन से मेरे साथ है ना, बहुत बेकार लगा। और आप कुछ यूट्यूब फैमिली के लिए बोलना चाहोगे? यूट्यूब फैमिली के लिए बोलना चाहोगी, शिवम को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और ऐसे वीडियो को ऐसे देखते रहना जैसे आप लोग देख रहे हो। ठीक है, मैंने पिठाई भी लगा दी है, तो अभी चलते हैं। टोन में मुझे छोड़ देंगे बाजार तक, फिर आगे चलते हैं। बाय बाय थर, बाय कर दे, बाय कर दे थर, बाय बाय, बाय बाय, बाय थर। तो दगड़ों भी ब्याल पहुंच गए थे लाल पानी, शाम दफे 7 बजे करीब। और अब आज अगले दिन च और शाम होने च, और बस अभी इन्हें घूमना कुन जानो छो हमी ताल जरा। आज दिखाने छो कि अके वहीं लगी छे रास्ता बैठना कौन वक। चलो चलो नन्नी आने च। और यक मौसम होने छो गरम, बिजाम गरम होने छो 2-3 दिन बटिक, किले की बरखा मौसम च पर बरखा होने लगी। और यक बटिक ठेकेदार और भी चल गिन, ऊँख सर रे आम तोड़ अली नून और बेचिन बेच अली कही लेके वो चल गिन अब अगली साल आला। और वक बस नन्नी अकानी चे और मामी जाइ छन्निम गोरकुन कुट्टी कटना को। और सब नीचे जो कार हो चे सुबोध मामा करो नई कार ली उन। और मामी लानी चे मोल और दुया करना चिन काम लिए मामी और की गाय बाछी। तो अब मैं जानू चु घूमना कौन और ताल मैं जानू चु घूमना कौन। और अब मैं आपको दिखा जरा डिगुंशी खार नन्नी खार की कंच अन्नू ब्लॉग्स में आपन दिया खोलो। और तो चलिए चल रहा छो। और यो पुल एक भीतर जानू कौन। और ये थे बुलदर रौला और तबक चलता छोगनी। और यूँ पेड़ों अभी आम छें छिन जरा जरा छोटा छोटा आम छिन तशेरी आम। और तब यूँ तभी तोड़ला बाकी ठेकेदार लोग। तो आज उत्तराखंड में आखिरी दिन छर बोल अमन जान बस में पहल गाड़ी में जान छे तो पर कुछ कारणवश नहीं जाना छो। और अब बस में जान बोल 5 बजे कल। तो अब आज आखिरी दिन छी अख। तो यो छ मौसी और घर गुट्टी मौसी घर जहाँ छो बिल्कुल। ये रहा मौसी और का घर, मौसी और की गाय। यहाँ मामी और नानी लगे खेत में काम करने के लिए। क्या कर रहे हो? हाँ नहीं। और यहाँ पे जिट्ठी भी आ रखी है और बुड्ढी भी आ रखी है भाई। नाना भी हैं और सब बैठे हुए हैं। देखो गाय मैं जो आओ इधर देखो। हेलो बोले, हेलो गाइस, हेलो गाइस बोले मनन। हेलो गाइस बोल।
मैंने बोलते लाइक, मैंने पहले बोल लाइक, तेज बोलते शेयर, सब्सक्राइब बोलते तेज, तेज बोल कौन सा। तो यहाँ आ गई पुष्पा जेठी देहरादून से घास काटने। हेलो कर दो जेठी इधर। हेलो। और मजा आ रहा है घास काटने? बहुत तो बहुत मजा आ रहा है। ये फिजिकल वर्क है। हाँ, जिम फेल है इसके आगे। इसके आगे जिम फेल है। हाँ। लेकिन हम एक दो दिन में क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। इधर नानी भी लगी हुई घास डालने में। पर जो रोज करते हैं, हाँ। उनके लिए सही है। उनका दिख जाता है कितने करते हैं। कितने कर रहे हैं? हाँ। हम तो एक दो दिन आए फिर चले गए। हाँ। तुम यक थे लगाया मैं सही भार खाऊं लगे कि आलो बताओ बड़ी तो दोस्तों मैं सुबह पहुंच गया था दिल्ली घर पे 11:30 बजे तक और 10 बजे बस अड्डा। और आप देख सकते हो अभी शाम को मैं घूम के आ रहा हूँ बाहर से। हालत क्या हो रही है? तो मतलब दिल्ली में तो पूरा हालत हो रहा है। उत्तराखंड से मेरे को यहाँ दिल्ली में आके पटक दिया है और गर्मी ने बहुत बुरा हाल कर दिया भाई। बहुत खतरनाक गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा ही खतरनाक। ये लोग तो पता नहीं कैसे रह रहे थे तब से। बहुत आप पसीना देख सकते हो, आप लोगों को तो पता ही होगा दिल्ली वालों को। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।